आगामी 26 मई को जिला खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा व्यापारियों की सुविधा हेतु पीथमपुर में खाद लाइसेंस और पंजीयन शिविर का आयोजन जिला खाद्य विभाग द्वारा लगाया गया। जानकारी देते हुए जिला खाद्य अधिकारी सचिन लोगारिया ने बताया कि पीथमपुर के व्यापारियों के लिए शिविर का आयोजन किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, केटरर, भंडारणकर्ता, डेयरी, होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा, राशन दुकान, फेरी वाले, सब्जी फल विक्रेता आदि व्यापारी खाद पंजीयन करवा ले। खाद्य अधिकारी ने बताया कि पीथमपुर में सभी जगह पर शिविर आयोजित किए गए। आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद लाइसेंस और पंजीयन मौके पर ही प्रदान किए गए। पीथमपुर से संजय सोनकरा की रिपोर्ट। जी सर, क्या आज जो है खाद शिविर लगाया गया है, क्या है पूरा खाद विभाग की तरफ से क्या शिविर है लाइसेंस? ये जितने भी खाद्य कारोबारी हैं, सब्जी वाले हुए, रेस्टोरेंट हुए, किराने वाले हैं, होटल वाले, इन सभी जो भी खाद्य पदार्थ के व्यापार में लगे हुए हैं उनको खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य है। और बिना खाद्य लाइसेंस या पंजीयन के व्यापार करते हैं तो उसमें जुर्माना और सज़ा का भी प्रावधान है। और व्यापारियों को सुविधा के लिए अभी कुछ दिनों तक खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की तरफ से जगह जगह पर शिविर लगाए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज पीथमपुर में भी खाद्य पंजीयन और लाइसेंस के लिए शिविर लगाए गए हैं ताकि व्यापारी यहां पे आके उसका लाभ उठा सकें और वो अपना लाइसेंस और पंजीयन प्राप्त कर सकें। इसमें ये सुविधा है कि अगर आज अप्लाई करेंगे तो आज ही तुरंत हम लोग लाइसेंस और पंजीयन बना के देंगे। सर, जैसा कि देखने में आ रहा है कि एक चलित वैन भी आई है खाद्य जांच हेतु, तो किस किस तरह के जो खाद की जांच है अभी की गई है, किस किस दुकानों से की गई है? ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है उसमें संभाग स्तर पर चलित खाद्य प्रयोगशाला शासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी और चलित खाद्य प्रयोगशाला के जो टेक्नीशियन हैं वो जांच करते हैं और मिलावटी पाए जाने पर उसके नमूना कार्रवाई की जाती है और उसमें प्रकरण बनाया जाता है। तो इसमें ये इससे इस प्रयोगशाला जो आई है चलित खाद्य प्रयोगशाला, इसमें आम व्यक्ति भी मात्र 10 रुपये का शुल्क अदा करके जिस भी खाद्य पदार्थ की जांच कराना चाहता है वो जांच करा सकता है और वो सुनिश्चित हो सकता है कि वो जो खाद्य पदार्थ बाजार से क्रय कर रहा है वो मिलावटी है अथवा नहीं है। आपका नाम और पता? सचिन लोगरिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी धार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।